नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं इस समय पत्रिका टीवी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के दावेदार की कि आखिर दिल्ली कौन जाएगा। छठवें राउंड की वोटिंग पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश में वोट परसेंटेज क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सियासी गणित है और इसी के आधार पर हम जानेंगे कि आखिर किसके पाले में गेंद जाती हुई दिख रही है, किसको फायदा होता दिख रहा है और किसके खाते में नुकसान है। हमारे साथ इस पूरी बातचीत में हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक पंड्या जी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, उससे पहले हम लिए चलते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताएं कि आखिर इन 8 सीटों पर आंकड़े क्या रहे हैं, क्या आंकड़े हैं और किन सीटों पर कितना मतदान हुआ है, वही तय करेगा कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि राजगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। राजगढ़ सीट पर जो मतदान का प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है, करीब 69.34%, मतलब 70% के आसपास वोटिंग हुई है। अभी इनमें 1 या 2% वोटिंग का इजाफा होने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। हम आपको बता दें क्योंकि एक बार ये नंबर पूरा जब फाइनल कैलकुलेट होगा तो 1 से 2% का इजाफा होने की उम्मीद रहती है। हम आपको बता दें कि सागर में 64.92 तकरीबन 65% वोटिंग हुई है। विदिशा में करीब 67%, भोपाल में 61% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। मुरैना में तकरीबन 54%, भिंड में 53%, ग्वालियर में 57%, गुना में 65%, सागर में 64%, विदिशा में 67%, भोपाल में 61% और राजगढ़ में 69% वोटिंग हुई है। हालांकि इसकी एक संभावना मानी जा रही थी कि बहुत आगे वोटिंग जा सकती है, अभी संभावना बनी हुई है, अभी हो सकता है कि कुछ वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरह से गुना में वोटिंग बढ़ी थी और अचानक से वोटिंग बढ़ते बढ़ते अचानक से रुकी है, अभी इसके मायने समझने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से 65% वोटिंग के आसपास गुना घूम रहा है, तो सवाल आलोक जी से सबसे पहला यही है कि आलोक जी, सवाल यही कि आखिर गुना में जिस तेजी के साथ मतदान जाता हुआ दिख रहा था, अचानक ये 65% पर आकर के कैसे रुकता हुआ नजर आ रहा है। 65% का मान लें, अगर 1-2% बढ़ता भी है तो 67% के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, पहले तो ये देखना होगा कि अगर हम इसको पूरा जियोग्राफिकली अगर इस पोल के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम टूवर्ड्स द नॉर्थ टू साउथ, यानी कि हम मध्य प्रदेश में ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं तो आपको पोल परसेंटेज बढ़ता हुआ देखेगा। यानी कि जो ग्वालियर चंबल का जो अंचल है, उनकी जो तीनों सीटें हैं यानी कि भिंड, मुरैना और ग्वालियर, इसमें देखिए कि आप कंपेरेटिवली पोल कम हुआ है और उसमें भी देखिए कि भिंड में सबसे कम है, फिर मुरैना में उससे ज़्यादा और उसके बाद ग्वालियर में। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश से जब हम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको पोल परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि गुना में जब हम आते हैं तो गुना में जैसे आप बता रहे हैं कि 65% पोल हुआ है और सबसे ज़्यादा पोल राजगढ़ में, जो कि एकदम टूवर्ड्स द नीचे की तरफ आ जाती है, वहाँ अच्छा पोल है। विदिशा में भी अच्छा पोल है, भोपाल में कंपेरेटिवली कम है क्योंकि अर्बन सीट है। अब जब जो बात आप जो कह रहे हैं कि 65 क्रॉस किया है गुना के अंदर और पहले ये लग रहा था कि वहाँ पोल काफ़ी होगा, लेकिन ये आपको पुराने जो पोल के जो ट्रेंड है उसको देखना होगा गुना में। और गुना में जो 2009 में 62% और उसके बाद 2014 में 60% पोल हुआ था, तो इस हिसाब से अगर हम पिछले बार से माने तो 5% यहाँ पर पोल बढ़ रहा है। और अगर हम टोटल इन 8 सीटों के चंक की बात करें तो इसमें आपका जो पोल का जो परसेंटेज है वो 5-6% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये एक ऑन एन एवरेज ग्रोथ वहाँ पर हुई है। जैसे कि अगर हम जो मध्य प्रदेश के जो 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 दो चरण निकल गए उनकी बात करें तो उनमें एवरेज ऑन एन एवरेज 10% की ग्रोथ हुई थी दोनों ही चरणों में। हर टोटली अगर हम देखें तो 10-11% बढ़ता हुआ नज़र आया था, लेकिन इन इस सीटों पर ये लेजी
सीट्स कहलाती मध्य प्रदेश की, और इसमें खास करके जो आपका ग्वालियर चंबल का अंचल है वो अफेक्ट करता है। तो वो जो गुना बेसिकली इस सीट को आपको ऐसे भी समझना होगा कि ये दो जिले इसके अंदर आते हैं, गुना और शिवपुरी। शिवपुरी जो इलाका जिला है बेसिकली वो ग्वालियर चंबल का जिला है, और गुना जो है वो उसका जो पैटर्न आ जाता है वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि मध्य और मालवा को छूता हुआ इलाका है। तो अगर हम इसमें भी हम जिलावार अगर हम इसको जब हम स्टडी करने जाएंगे विधानसभाओं में और जिला में जब हम बटेंगे तो देखेंगे कि शिवपुरी में कम पोल हुआ होगा और गुना में ज़्यादा पोल हुआ होगा। तो ये एक ट्रेंड है, और मैं समझता हूँ कि 65% जो पोल हुआ है वो मतलब इस हिसाब से सेटिस्फैक्टरी है कि यहाँ पर बम्पर पोलिंग की गुंजाइश मेरे को अक्रॉस दी 70 के ऊपर जाएगा ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। और इसका अभी हम मायना इस तरीके से निकालेंगे कि इससे क्या होगा ये समझना थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, लेकिन इसमें एक बात तो ज़रूर है कि ज्योतिराय सिंधिया वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और आपको पता होगा कि ज्योतिराय सिंधिया पिछली बार भी एक बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीते थे, हालांकि उसमें भी 8 में से 2 विधानसभा सीटों पर वो पीछे रहे और 6 पर आगे रहे थे। इस बार भी ये तो क्लियर है कि ज्योतिराय सिंधिया चुनाव जीतेंगे, लेकिन उनका वोट का मार्जिन कितना होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस पोल परसेंट बढ़ने के बाद में अगर ये जो 65 को टच कर रहा है यानी कि 5% 2014 से बढ़ा है, तो ये जो 2014 से जो 5% बढ़ा है वो जो वोट है वो वोट किसका है? अगर वो मोदी की लहर का वोट है तो क्या वो ज्योतिराय सिंधिया के खिलाफ जाने वाला वोट है? और अगर वो ज्योतिराय सिंधिया के खिलाफ जा रहा है तो फिर वो जो जीत का मार्जिन है वो कम होगा या फिर ज्योतिराय सिंधिया के लिए एक चुनौती यहाँ पर खड़ी हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरा का पूरा पोल जो बड़ा है वो मोदी की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि वहाँ पर बीजेपी ने एक बहुत ही कमज़ोर कैंडिडेट को इलेक्शन में उतारा है, जो कांग्रेस में ही पहले थे और अभी 2 साल पहले 1.5 साल पहले बाय इलेक्शन के समय पे टिकट नहीं मिलने से नाराज होके वो बीजेपी में आए थे। तो एक यादव के नाम पर किसी को उतारना था ताकि पूरे लक्ष्मी नारायण यादव जो सागर में जिनका टिकट काटा है सांसद का, तो एक मैसेज चला जाए कि हमने एक यादव को टिकट दिया है, इस आधार पर केपी यादव को टिकट दिया है। लेकिन इंटरनली ये बात तो जाहिर है, कई जगह पर ये ऑफ द रिकॉर्ड ये बात सामने आई है कि ये कहीं ना कहीं एक गिफ्ट सीट के रूप में सब कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है कि ज्योतिराय सिंधिया जीतेंगे, लेकिन अब वो कितना अंतर होगा और इस पोल परसेंट बढ़ने के बाद क्या कुछ होगा ये समझने वाली बात है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि मैंने इसी को समझने के लिए एक मैंने विधानसभा वाइज आंकड़े निकाले हैं। वो आंकड़े जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गिमिक करते हैं। शिवपुरी में 63% करीब वोटिंग हुई है, पिछोर में 64%, कोलारस में 67%, भमौरी में 66%, गुना में 59%, अशोकनगर 68%, चंदेरी 71%, मोगावली 64%। शिवपुरी में विधानसभा की बात करें 71% वोटिंग होती है, पिछोर में 85% वोटिंग होती है, लेकिन घट करके लोकसभा में 64% रह जाती है। कोलारस में 76 से 67%, मतलब विधानसभा में जो वोट परसेंटेज है वो बहुत ऊपर जाता है, लेकिन लोकसभा में आते आते ये सीट वापस धड़ाम से गिर जाती है। और एक बड़ी बात और है कि अगर विधानसभा के हम आंकड़े जोड़ते हैं उन आंकड़ों में ज्योतिराय सिंधिया हारते हुए नजर आते हैं, जो वोट परसेंटेज बढ़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ आते हैं तो इसका क्या असर दिखेगा लोग जी, क्योंकि वोट परसेंटेज यहाँ पर घटता हुआ दिख रहा है। पिछली बार से बढ़ा है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा जो अपेक्षाकृत दूसरे इलाकों में बढ़ता हुआ आ रहा था, तो इसको किस तरह से अपन देखें? देखिए, ये आप किसी भी तरीके से आप कभी भी विधानसभा की पोलिंग को लोकसभा के साथ में आप उसका कंपेरिजन करना थोड़ा सा बेमानी हो जाएगा। और ये ऑलमोस्ट ट्रेंड मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ये पोल का यही ट्रेंड रहता है कि विधानसभा में और लोकसभा में तकरीबन 10 से 15% का फर्क आता ही है। लोकसभा में 10 से 15% पोल कम होता ही है, और उसका कारण इलेक्शन का हाइपर लोकल होना है विधानसभा में, क्योंकि कैंडिडेट के पास में सिर्फ आपका जो 2.5 लाख वोटर है वो आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाता है कि हमको इन 2.5 लाख वोटर पे काम करना है। तो उसके पास में जितनी वो टीम होती है और जितना सामर्थ्य होता है उसको वो उन 2.5 लाख वोटर के ऊपर अप्लाई करता है, और इस कारण से पोल उसके पास में बूथ तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा संसाधन होते हैं और फिर वो काम दिखता भी है। और दूसरी बात, लोगों का इंटरेस्ट जो होता है वो विधानसभा में ज़्यादा होता है, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने में कम होता है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 विधानसभा मिलाकर मध्य प्रदेश में एक लोकसभा बनती है, 2 ही लोकसभा ऐसी जिसमें 7 है, बाकी जगह पर 8 विधानसभा की एक लोकसभा बनती है, और एक कैंडिडेट के सामने फिर 18 से 22 लाख तक का वोटर रहता है।
तो उस तक पहुंचना और उनको वोटिंग के लिए निकाल कर लाना, आपको आप इसको जानकर हैरत होगी कि जनरली जो वोट होता है, इस वोट के अंदर जो एक स्टडी है उसके हिसाब से हम माने कि ये 30-40% ही सोमोटो वोट होता है, यानी कि जो स्वतः प्रेरित होकर बूथ तक पहुंचते हैं वो 100 में से 30-40% वोटर ही ऐसे होते हैं जो अपनी स्वप्रेरणा से जाते हैं। बाकी जो वोटर होता है वो वोटर कहीं ना कहीं मोटिवेटेड वोटर होता है, यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा या लोगों के द्वारा उसको प्रेरित करके लाया जाता है, और अगर आप उसको उन तक नहीं पहुंचेंगे तो उसमें से वोटर निकल कर नहीं आएगा, और ये हमने देखा भी है कि कई बार इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इसलिए मैं उस बात से बहुत एतबार नहीं करूँगा कि विधानसभा से हम इसको कंपेरिजन करें, लेकिन इसको मेरे को ये देखना होगा कि इसमें आप जो कह रहे हैं कि 14 में और इसमें जो फ़र्क आया है, तो वो जो फ़र्क आया है वो फ़र्क क्या मोदी का वोट है या फिर वो सिंधिया का वोट है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्ट करेगा रिजल्ट में। वो मोदी का वोट है या सिंधिया का वोट, सवाल सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि आखिर ये वोट है किसका जो बढ़ रहा है, हालांकि वो रेशियो उतना तेज नहीं है जिस तेजी की उम्मीद की जा रही थी। हम ग्वालियर अंचल की दूसरी बड़ी सीट पर चलें, ग्वालियर फिर 57.65 तकरीबन 58% हम मान सकते हैं वोट परसेंटेज इस बार जाता हुआ दिख रहा है अभी तक जो हो चुका है वोट टर्नआउट। 2014 में ये 52% था, 2009 में करीब 40%, तो अगर 2009 की तुलना में करते हैं तो बहुत बढ़त है, लेकिन 2014 की तुलना में बात करते हैं तो 5-6% की एक बढ़त दिख रही, जो एक सामान्य बढ़त सारी सीटों पर है उस बढ़त के साथ चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक आलोक जी जो सबसे चौंकाने वाली बात है, अगर हम ग्वालियर लोकसभा के भीतर की जो सीटें हैं इसको जब हम देखते हैं तो एक बड़ा चौंकाने वाला एक चीज निकल करके आ रही है। ग्वालियर में जो शहरी ग्वालियर ग्रामीण की बात करें तो 55% वोटिंग हुई है, ग्वालियर शहर सीट है 53% हुई है, ग्वालियर पूर्व 50% वोट हुआ है, ग्वालियर दक्षिण 58%, भितरबार 56%, डबरा 63%, करेरा 60%, पोहरी 64%। सवाल यही है कि अगर हम इस आंकड़े को देखें तो ये आंकड़े साफ कहते हैं कि ग्वालियर सीट में 3 सीटें शहरी हैं और बाकी की 5 सीटें आपकी पूरी तरह से ग्रामीण सीटें हैं, उन 5ों पर परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है और शहरी सीटों पर परसेंटेज ऑन एन एवरेज बहुत कम है, तो इसको किस तरह देखते हैं कि ये क्या गणित बना हुआ है ग्वालियर में? देखिए शैलेंद्र जी, ये एक फिनोमिना है और ये अप्लाई होता ही है, हमेशा अप्लाई होता है कि अर्बन सीट्स पे कम वोट होता है, तो ये और दूसरी बात इसमें एक और आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि जैसे जैसे आप उत्तर प्रदेश से मतलब कि नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं तो आपको पोल परसेंट बढ़ता हुआ देखेगा, यानी कि ग्वालियर में आपको वो पोल परसेंट नहीं मिलेगा जो आपको शिवपुरी में मिलेगा, और शिवपुरी में आपको वो पोल परसेंट, जब हम गुना शिवपुरी की बात कर रहे थे तो उसमें भी देखे कि शिवपुरी में वो पोल परसेंट नहीं मिलेगा जो आपको गुना और अशोकनगर में मिलेगा, यानी कि जैसे हम शिवपुरी में कम, गुना में ज़्यादा और अशोकनगर में और ज़्यादा। और अगर हम ग्वालियर की बात करेंगे ग्वालियर सीट की, तो ग्वालियर के 6 सीटों में, ग्वालियर जिले की 6 सीटों में जो पोल हुआ है उसको देख लीजिए और शिवपुरी की 2 सीटों पर देख लीजिए, तो वो कंपैरेटिवली बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरी बात हो रही वो ये है कि जो अर्बन वोटर की बात है कि जो शहरी मतदाता कम निकलता है वोट डालने के लिए, वो इफेक्ट आपको ऑलमोस्ट सीटों पर नज़र आएगा। वो भोपाल में भी आप देखेंगे तो आपको वो फ़र्क नज़र आएगा कि जो यहाँ की बैरसिया, हुजूर और सीहोर, इसमें आपको पोल अच्छा मिलेगा और शहर की सीटों में कम मिलेगा, तो ये एक फैक्टर है। दूसरी बात, एक चीज़ और आप देखिए कि क्या वहाँ पर, ये बहुत जानना जरूरी होगा कि वहाँ यानी कि ग्वालियर लोकसभा में जो सीटें कांग्रेस के MLAs के पास में है वहाँ कितना पोल गया है, और जो सीटें BJP के MLAs के पास में है वहाँ पर कितना पोल गया है। तो आप ये देखेंगे, जो मुझे जो प्राइमा फेसी में जो फिगर देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद कांग्रेस के MLAs के पास में वहाँ ज़्यादा पोल होते हुए दिख रहा है, ज़्यादा पोल होते हुए दिख रहा है। और एक बड़े जो जिसको अगर हम ग्वालियर की पॉलिटिक्स से जोड़कर चलें तो वहाँ पर जो जिस तरह से शहरी वोटर कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वो बीजेपी का वोटर है, नरेंद्र सिंह तोमर को भी रूरल से कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, चाहे वो पौरी हो चाहे करेरा हो, उन सीटों से उन्हें नुकसान मिला है। कहा जाता है अशोक सिंह का अपना कोर वोट है जो वो जाति वोटों के साथ चलते हैं। एग्जैक्टली इसमें एक बात हो रही है कि जो जिस बिलोंग जिस कैटेगरी को अशोक सिंह करते हैं, कमरिया वोट जो है उनका, वो आपको भीतरवार में ग्वालियर ग्रामीण में करेरा और पोहरी इन 4 सीटों पर अच्छा मिलेगा, और वो ऐसी वोट आपको डबरा में अच्छा मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और, इन दोनों कैंडिडेट के कैरेक्टर नेचर को आप देखेंगे तो जो विवेक शेजवलकर है वो शहरी नेता के रूप में उनकी पहचान है, वो 2 बार मेयर रहे हैं और उनकी पकड़ जो है वो जो ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर दक्षिण
इन दो सीटों पर अच्छी पकड़ है उनकी, और ग्वालियर, खास ग्वालियर में भी आप मान लीजिए कि वहाँ पर उनकी पकड़ है, लेकिन वो उसके बाहर वो कमज़ोर होते हुए नज़र आते हैं। अशोक सिंह को जब भी हमने देखा है तो उनके साथ हमेशा से ये होता था कि वो करेरा पोहरी की तरफ से जीतते हुए आते थे, करेरा पोहरी और भितरवार वो अच्छा लेके आते थे और वो शहर में आके गिर जाते थे। तो अब की बार ये देखना होगा कि ये जो अब जो फाइट है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का होल्ड रूरल में कंपेरेटिवली विवेक शेजवलकर अच्छा था, तो अब ये कितना मुश्किल होता है और क्या अशोक सिंह तीन बार हारने के बाद वहां से सांसद बनने का सपना इस बार पूरा कर पाएंगे? इस बार पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आप देखिए ना परसेंटेज जो जा रहा है, जो हमने कहा ना कि उनकी जिन विधानसभाओं में ग्वालियर दक्षिण में उनकी मजबूत पकड़ है, ग्वालियर पूर्व में मजबूत पकड़ है, दोनों सीटों पर वोट परसेंटेज औसत जो वोट हुआ है उससे बहुत कम जा रहा है, और औसत वोट की तुलना में जो तीनों सीटें हैं भितरवार और वो सारी चीजें बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक खतरे की अलार्मिंग घंटी हम जिसको कह सकते हैं, या अशोक सिंह जी के लिए राहत वाली खबर है, हाँ, कि आज रात को वो शायद चांसेस हो सकते हैं परिणाम जो भी आए, लेकिन उनको लगता है कि शायद वो, क्योंकि शहरी इलाके जहां से मेयर है, मेयर ही अगर अपने इलाके में कमजोर पड़ रहा है तो फिर शायद उनके लिए कुछ अच्छी बात होगी। हम आगे अगर चलते हैं, वही हम चूंकि ग्वालियर चंबल की सीटों पर ये भी बात कर रहे हैं, सब भिंड की बात करें तो 2009 में 34% मतदान था, शायद सबसे कम मतदान हुआ था पूरे मध्य प्रदेश का, 34%, 34%, 2014 में 45%, भिंड में 2019 में करीब 53%, 45 से एक बड़ा नंबर है, इसको हम एक हैंडसम नंबर कह सकते हैं कि ग्वालियर की तुलना में और बाकी जगह इसकी ग्रोथ ठीक है। तो इसमें अगर हम जब विधानसभा वाइज इसमें जाते हैं भिंड में, तो भिंड में आप देखिए कि फिर वही गणित हो जाता है, भिंड में सबसे क्रूशल और सबसे फंसी हुई सीट जो विधानसभा की अटेर, उसमें 48% वोट रह जाता है वोट परसेंटेज, भिंड प्रॉपर में 49%, लहार 55%, महगांव 50%, गोहद 50%, सेवड़ा 56%, भांडेर 57%, दतिया 58%। मतलब जो थोड़ी सी भी शहरी मूड की सीटें हैं उनमें वोट परसेंटेज अचानक से नीचे जा रहा है, और जो रूरल की, जो प्योर रूरल की विधानसभा सीटें उनमें बढ़ रहा है। कैसे? इसमें एक और फैक्टर है, मैं फिर इसको, जैसे अगर हम इसको जियोग्राफिकली भी देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो हार्डकोर यूपी की तरफ ऊपर की तरफ लगती हुई सीटें हैं वो वहाँ पर पोलिंग परसेंट आपको कम दिख रहा है, और जैसे आप दतिया जिले के अंदर आए, यानी कि आप जब भिंड छोड़ के दतिया की तरफ आए तो वहाँ पर आपको पोलिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखेगा, 57, 58 और 56% हो गया दतिया जिले में। मतलब दतिया जिला, चूंकि आप देखिए कि दतिया जिला जो है वो हालांकि वो यूपी से टच करता है, लेकिन वो फिर भी जियोग्राफिकली मध्य प्रदेश में अंदर की तरफ है, भिंड ऊपर की तरफ है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है इलेक्शन का, जिसको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। और आपने जैसे कहा कि जब भी हम अर्बन सीट्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर पोलिंग परसेंट अच्छा है। दूसरी बात, एक बात और है कि हमने जो बताया कि यहाँ 53% पोल हुआ है, दो जो घटनाएं यहाँ पर हुई है, एक तो आलमपुर में कुरथर में जो है मारपीट की घटना हुई है, कुल्हाड़ी से जो है हमला हो गया, इसके अलावा रोन में मारपीट की घटना हुई है, दतिया के बसई में मारपीट की घटनाएं हुई है, और इन सब के अलावा शैलेंद्र जी यहाँ पर एक बड़ा एक जो घटनाक्रम हुआ है उसका जिक्र करना यह बहुत मौजू है, और वो ये है कि यहाँ जो तीनों कैंडिडेट थे, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के कांग्रेस के कैंडिडेट देवाशीष और बीजेपी की जो संध्या राय है वो, और बसपा के जो कैंडिडेट हैं, उन तीनों को गेस्ट हाउस में नज़रबंद करके बिठा लिया गया था और उनको घूमने नहीं दिया गया बाहर, और जब 6 बजे जब मतदान समाप्त हो गया उसके बाद उनको बाहर छोड़ा गया। और इसके अलावा जो वहाँ पर बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं, जो विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के या बीएसपी के, उनको उनके ही घरों में नज़रबंद कर दिया, यानी कि उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, वहाँ पर पुलिस लगा दी गई। और ऐसा ही कुछ 2014 में भी हुआ था। तो आपको पता है कि भिंड में पहले बहुत वायलेंस होता था, और हमने पुराने जो चुनाव देखे हैं उसमें हमने देखा है कि वहाँ पर किसी की हत्या होना और ईवीएम में तोड़ देना और तमाम तरीके के घटनाक्रम वहाँ पर होते रहे हैं। तो इस बार कंपेरेटिवली मैं ये कहूँगा कि छोटपोट 2-3 घटनाएं जो मैंने जिनका जिक्र किया है वो हुई है, लेकिन फिर भी पीसफुली इलेक्शन है। और एक घटना और है बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसका ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि वहाँ पर एक कोई सज्जन थे, वो पोल करने गए तो वो फेविक्विक साथ में लेके गए, और उन्होंने एक कैंडिडेट के बटन पर ही जो है फेविक्विक चिपका दिया ताकि वो दबी ना पाए,
और लेकिन वो मशीन उससे जाम हो गई और थोड़ी देर बाद में वो मशीन वहाँ पर बदल कर फिर दूसरी मशीन से पोल कराना पड़ा। तो जो 53% वोट हुआ है वो भिंड के हिसाब से ये मानिए कि जो जो जिस तरीके का नेचर भिंड का है और जो दबंगदारी वहाँ चलती है और जिस तरीके से वहाँ पर घटनाएँ पुराना इतिहास भिंड का रहा है हिंसा का, उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि वहाँ शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और उस हिसाब से ये हम मान सकते हैं कि हम वहाँ एक एक स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 2014 में जिस तरह मुरैना में जो कैंडिडेट्स थे उनको नजरबंद किया गया था, इसी तरह से मुझे लगता है कि वही फॉर्मूला यहाँ भिंड में अपनाया गया और उसका फायदा मिला क्योंकि लगातार वायलेंस की कंडीशन बनी हुई थी, लग रहा था कि प्रेशर बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं और रास्ता वही है, फिर भी दो चार जगह हुआ लेकिन बहुत छुटपुट घटनाएं, भिंड के हिसाब से ये बहुत छोटी घटनाएं मानी जाती हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये जो वोट परसेंटेज है और जो सीटों का जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो आखिर फायदा किसको देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए ये अभी इसको हम इस तरीके से आकलन वहाँ पर करना, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ दोनों नए चेहरे हैं और संध्या राय जो मुरैना से वहाँ जाकर चुनाव लड़ रही है और देवाशीष जरारिया, अब दोनों के अपने अपनी मतलब दोनों के लिए कुछ कंफर्टेबल है और कुछ मुश्किलात है दोनों कैंडिडेट के लिए, और चूंकि नए चेहरे हैं इसलिए हम ये वहाँ ये नहीं कह पाएंगे कि किसका पल्ला भारी है। लेकिन जैसे कि देवाशीष के साथ में सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई कि कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने उनको सपोर्ट नहीं किया और साफ हाथ खड़े कर दिए थे कि इनके साथ हम इलेक्शन में कैंपेन नहीं करेंगे, तो ये देवाशीष के लिए एक मुश्किल होगी। और तो उसकी वजह भी थी कि जो वहाँ जो बड़े नेता हैं, जो ठाकुर नेता हैं, उस तरह के लोगों ने विरोध किया था और कहा गया कि वो सवर्ण आंदोलन में जो SC ST आंदोलन था उसके मैं दलितों के साथ खड़े थे और कहीं ना कहीं भिंड की एक जाति मजबूरियां हैं वहाँ नेताओं की कि आप पाले नहीं बदल सकते, तो इसका वही देखना होगा कि अब ये जो कास्ट का इक्वेशन वहाँ पर आएगा और जो SC सीट है तो उसके बावजूद जो संध्या राय जो राय कम्युनिटी को बिलोंग करती है और जरारिया के, तो वहाँ पर ये देखना होगा। दूसरी बात वहाँ जो वहाँ ठाकुर और ब्राह्मण का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसके साथ जाएगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और फिर ये भी देखना होगा कि संध्या राय मूल रूप से मुरैना की है लेकिन वो भिंड में जाके चुनाव लड़ रही, तो BJP के लोकल कैंडिडेट उनको कितना फ़ायदा देते हैं। लेकिन जो पोलिंग के परसेंटेज के आधार पर हम बहुत ज़्यादा उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ये सारे इक्वेशन देखने के बाद ही वहाँ पर हम परिणामों तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आलोक जी, बाहरी प्रत्याशी का आपको लगता है कि वहाँ मुद्दा होगा? जिस तरह से वहाँ पर रामलखन सिंह कुशवाहा के बाद, रामलखन सिंह कुशवाहा वहाँ लोकल थे, सांसद रहे, उसके बाद अशोक अर्गल भेजे गए, फिर भागीरथ प्रसाद पहुँचे। भागीरथ प्रसाद को भली लोकल कहो लेकिन वो लोकल के तो है ही नहीं है, वो लगातार बाहर रहे, भिंड से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा नहीं उनका। अशोक अर्गल का तो बिल्कुल नहीं था, वो मुरैना से सांसद थे, चूंकि सीट उनकी जनरल हुई और ये भिंड SC ST हुई तो वो यहाँ पर आ गए। तो आपको लगता है कि ये बाहर बहुत मैटर करेगा वहाँ पर? देखिए दो तीन बातें हैं कि एक बात तो ये है कि अशोक अर्गल मुरैना से रहे, फिर जब रिजर्वेशन में भिंड सीट गई तो वो वहाँ चले गए, लेकिन अशोक अर्गल का एक अपना हाइट था और उसके पहले वो सांसद रह चुके थे और संगठन में BJP संगठन के तौर पर उन्होंने भिंड में भी काम किया था जाकर, तो उनके अपने तरीके थे। दूसरी बात डॉक्टर भागीरथ प्रसाद की बात रही तो डॉक्टर भागीरथ प्रसाद प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनकी अच्छी छवि भिंड में रही थी और इसी का लाभ उन्होंने उठाया। जब कांग्रेस उनको लेकर आई तो वो वहाँ जीते, फिर जब BJP ने उनको टिकट दिया तब भी वहाँ जीते। कांग्रेस से जीते नहीं थे, अशोक अर्गल के खिलाफ हारे थे। अच्छा, हाँ चुनाव हार गए थे। हाँ ठीक, दोबारा में जब कांग्रेस ने टिकट दिया तो वापस फिर भाजपा उनको तोड़ करके अपने पास ले आई और उनको। अब ये संध्या राय को कितना फैक्टर ये प्रभावी करेगा ये देखना होगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक के जो मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि हर सीट का कुछ बेसिक नेचर भी होता है और उस हिसाब से ये लग रहा है कि वो ये सीट मुझे BJP को जाती हुई नजर आ रही है, BJP को जाती हुई नजर आ रही है। मुरैना सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है, अगर मध्य प्रदेश में इस चरण की अगर हम सीट की बात करें, दो हॉट सीट है, एक मुरैना एक भोपाल। मुरैना का हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार प्रोडिक्शन क्या है, किस तरह मुरैना सीट जा रही है। 2009 में 49% करीब मतदान हुआ, 2014 में 50%, 19 में आते आते 54%। लेकिन अब इसको इस सीट के फिर मायने देखिए, गणित कैसे उलझते चले जाते हैं। श्योपुर 70% करीब मतदान है, विजयपुर 66%, सबलगढ़ 56%, जोरा 47%, सुमावली 48%, मुरैना 49%, दिमनी 49%, अंबा 50%। आलोक जी, एक तरफ श्योपुर जिले में बम्पर वोटिंग, जिसको अगर हम एवरेज उसके ऊपर जाएं तो 54% आपकी एवरेज वोटिंग है और वहां 70% जा रही है श्योपुर में, विजयपुर में 66% जा रही है, तकरीबन 12% का अंतर आ रहा है। तो आखिर ये जो गणित है, श्योपुर
एक तरफा जा रहा है मुरैना, एक तरफा नीचे जा रहा है। इसमें देखिए फिर मैं इसको अब दो तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इसको जियोग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये श्योपुर ज़िला है वो राजस्थान को कनेक्ट करता हुआ ज़िला है और मुरैना जो है वो उत्तर प्रदेश को छूता हुआ ज़िला है। तो जो सीट्स या जो इलाका राजस्थान को छू रहा है आप देखिए कि वहाँ पर वोटिंग अच्छा हो रहा है, लेकिन जो इलाका आप देख रहे हैं कि यूपी को टच करता है वहाँ पर आप देखेंगे कि वोटिंग कम हुई है। दूसरी बात और है, अगर मैं इसको अगर मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखने की कोशिश करूं तो रामनिवास रावत विजयपुर से आते हैं, वो विजयपुर से चुनाव भी हारे हैं, उसके पहले वो विधायक भी वहाँ से दो तीन बार रहे, और उन दो सीटों पे ये माना जाता है कि जब जो वोट आएगा या उनका प्रभाव अच्छा है। और जब आप श्योपुर की तरफ से इंटर करिए तो श्योपुर की तरफ से इंटर करते हुए जो सीट्स आ रही है उनमें देखेंगे कि वोट अच्छा है। और अब हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर का जो गढ़ है इसके अंदर, ये आप बिमनी का पोल देख लीजिए और आप सुमावली का पोल देख लीजिए, 48% और 49% पोल वहाँ पर हो रहा है, ये उनका गढ़ माना जाता है। और आप देखिए कि श्योपुर में और वहाँ पर आप देखेंगे कि वो 66 और 69 तक पर टच। लेकिन आलोक जी इसका जब समीकरण में किसी भाजपा नेता से समझना चाह रहा था, मैंने किसी स्टडीजिस्ट को लगाया था जो भाजपा के वॉर रूम को संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे फायदे का सौदा है कि नरेंद्र सिंह का विरोध था ठाकुरों के बीच में, ठाकुर बाहुल्य जो सीटें चाहे जोरा सुमावली मुरैना दिमनी ये ठाकुर गुजरों के बाहुल्य की सीटें हैं, तो इनमें वोट परसेंटेज कम होने से हमारा जो जो पूरी तरह से विरोधी वोट था वो नहीं निकला है, इसमें हमारा भी वोट है कांग्रेस का वोट है, तो हम यहां पर एक एवरेज कंडीशन में आ रहे हैं, हमारा विरोधी वोट जो हमारा वोट था हमारे विरोध में गिरता वो साइलेंट हो गया, उसने वोट नहीं किया है, और बाकी सीटों पर जो वोट है वो मोदी को लीड कराएगा, तो हम यहां पर एक कंफर्टेबल कंडीशन में आ रहे हैं, जो कंडीशन एबनॉर्मल बनी हुई थी वोटिंग से पहले तक। तो इस फॉर्मूले को क्या वाकई आपको लगता है ये पकड़ता है? ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कास्ट इक्वेशंस इस सीट पर या ग्वालियर संभल की सीटों पर बहुत असर डालते हैं कि किस जाति का वोटर नहीं निकला और किस जाति का वोटर निकला, इसलिए ये देखना लाजमी होगा जब हम इसके विस्तार में जाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि जो जिसी बात आप कह रहे हैं कि वो जो मोदी का जो इफेक्ट है, अब आप ये जानेंगे कि ये भी स्वाभाविक है कि राजस्थान में वो वेव ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की तुलना में, यानी उत्तर प्रदेश के इस अंचल की तुलना में जिसको मुरैना टच करता है, तो इसलिए ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अगर वो वेव राजस्थान की तरफ से है और वहाँ उसने यहाँ पर मध्य प्रदेश में यहाँ से आमद दी है और इसलिए उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, तो ये देखना होगा कि इसमें कितना बढ़ता है। लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने 2009 में ये चुनाव जीतने के बाद में 2014 में ये सीट छोड़ी थी, तो 2014 में यहाँ पर अनूप मिश्रा सांसद बनकर आए थे, अब फिर से नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ आए, तो ये जो बार बार एक सीट पर छोड़ के जाना और वापस आना ये भी एक फैक्टर लोगों के दिमाग में काम करेगा। इसी को तो माना जा रहा था कि भाई जो विरोध है, भाई नरेंद्र सिंह तोमर की आदत है वो सीट बदलते रहते हैं, भाई लोकसभा में बदली, ग्वालियर आए, ग्वालियर छोड़ के गए, तो ये एक मैसेज जो पास ऑन हुआ कि साहब ग्वालियर में हार रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर इसलिए उन्होंने सीट बदल ली, मुरैना गए तो वहाँ ठाकुरों ने विरोध किया क्योंकि आप चुनाव लड़ने के बाद वहाँ गए नहीं, और कहीं ना कहीं जो भितरघात की बात आ रही थी बड़े नेता हैं तो विरोधी भी उतने ही है, तो सुमावली सीट जिस पर सतीश सिकरवार और बाकी उनके परिवार का होल्ड है उस सीट पर वोट कम हुआ है, कंसाना वोट जो है जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं रामनिवास रावत उनकी तरफ भी कितना शिफ्ट हुआ ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 48% वोटिंग हुई है, यानी एक इसको हम दूसरे समीकरण में ये भी समझ सकते हैं ना कि नरेंद्र सिंह तोमर का जो विरोधी वोट था उसको वो शायद मनाने में कामयाब रहे हैं कि आप घर पर बैठिए वोट मत करिए, एक ये भी इसका समीकरण हो सकता है। मुरैना गुजरों का पूरा इलाका है, यहां से भड़ाना भी बसपा के प्रत्याशी हैं, गुजर हैं, तो एक भड़ाना को क्या असर यहां पर मिला है, जैसे ही हम इन दोनों तीनों सीटों से ऊपर चलते हैं जोरा और सीट है, जोरा भी ठाकुरों के बाहुल्य की सीट है, यहां पर भी वोट परसेंटेज 47 रह गया, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही हम श्योपुर की तरफ बढ़ते हैं अंबा सबलगढ़ बढ़ता हुआ चला जाता है, उस तरफ वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और यहां पर ठाकुरों की संख्या कम होती जा रही है, तो जो ठाकुर प्रभाव की सीटें नहीं है, जो गुर्जर प्रभाव की सीटें नहीं है, वहां बीजेपी को वोट परसेंटेज अच्छा मिलने की उम्मीद है, ऐसा उनके स्टडीज का मानना है। हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन आपको इसको ये भी देखना होगा कि जब आप श्योपुर में जाते हैं तो श्योपुर की जो दोनों सीटें हैं वहाँ पर रावत का जो वोट का जो फैक्टर है वो अच्छा है, मतलब वहाँ पर वो जो वोट रामनिवास रावत को मिलेगा वो अच्छा है। दूसरी बात, श्योपुर की दो में से एक सीट कांग्रेस 2018 के विधानसभा में लेकर आई है,
तो और वहाँ पर भी श्योपुर प्रॉपर में अच्छा वोट हुआ है और विजयपुर रामनिवास रावत हारे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेहनत तो की है, तो वहाँ से विजयपुर सीट से मुझे लगता है कि विजयपुर सीट में प्रॉपर में रामनिवास रावत को वोट मिलेगा, तो श्योपुर जिले से वो वोट लेकर आएंगे। ये जब जब हम बात करेंगे 23 तारीख की शाम को, तो हम इसको इसको तो देखेंगे कि श्योपुर की दो सीटों से तो वो लीड लेकर आएंगे, बाकी सीटों में क्या इक्वेशन निकल कर आते हैं ये देखना होगा। ये सही बात है कि क्या इक्वेशन, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र सिंह तोमर के लिए ये सीट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई मैसेज नहीं छोड़ रही है कि उनकी जो धड़कने हैं वो बढ़ी ही रहेंगी 23 तारीख तक। मुझे लगता है थोड़ा सा रणनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को या तो ग्वालियर से लड़ना था, क्योंकि देखिए क्या है कि ग्वालियर एक सेमी अर्बन सीट है, यानी कि उसमें दो तीन विधानसभा तो ऐसी आती है, तीन विधानसभा तो प्योरली ऐसी है जो अर्बन इलाका है, और अर्बन में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको मोदी के नाम का वोट जो होता है उसको आपको ढूंढना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली पोल पर आके और वोट डाल के जाता है। रूरल में वो फैक्टर उतना काम नहीं करता, ये हमने 2014 में भी देखा था, और अब ये चीज़ हमेशा से सामने आएगी। और दूसरी बात ये भी है कि इसलिए अगर वो ग्वालियर से लड़ते या उनका भोपाल से जिस तरीके से नाम चल रहा था आखिरी वक्त तक, इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो नहीं आए। क्लियर कट बात यही है कि उनको कह दिया गया था कि आप भोपाल से लड़े, प्रज्ञा का नाम उनके इनकार के बाद ही आया है, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर वो भोपाल से लड़ते मेरे ख्याल से ज़्यादा कम्फर्टेबल रहते, क्योंकि ये थोड़ा सा उनके लिए एक इतने बड़े लीडर के लिए, और जो मोदी सरकार में एक बड़े पोर्टफोलियो के मिनिस्टर हो, उनके लिए अगर उनकी सीट पर इस तरीके से हम आकलन करें कि वो किस तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा संदेह तो पैदा करता है, थोड़ा सा संदेह पैदा करता है, कहीं थोड़ा क्या इसको अगर हम कहें ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं, पूरा संदेह पैदा करता है कि अगर उनकी स्थिति ऐसी बनती हुई दिख रही है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के समीकरण जो कांग्रेस के लोग हैं वो अपने पक्ष में बता रहे हैं। सवाल वहीं वापस हम सीधे भोपाल अगर करें, आप चूंकि भोपाल की बात कर रहे थे, भोपाल का आंकड़ा जा रहा है 61% 2009 44%, 2014 57%, बढ़ करके 61%, लेकिन इसका एक खेल और समझ लीजिए कि जिन सीटों पर दिग्विजय सिंह आस लगाए बैठे हुए हैं वहां पर नंबर क्या जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बड़ा सवाल यही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने पूरे चुनाव को कहा कि हमने मैनेजमेंट से लड़ा है, तो मैनेजमेंट से लड़ा है तो मैनेजमेंट सीटों पर नजर आना चाहिए। बैरसिया विधानसभा में 71% वोट, उत्तर जहां से बहुत बड़ी आस थी वहां 62% रह गया, नरेला 62%, दक्षिण पश्चिम 56%, मध्य 54%, दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद जो कम हुई है गोविंदपुरा 56%, हुजूर 62%, सीहोर 73%। तो आखिर आलोक जी क्या लग रहा है आपको कि जिन सीटों से दिग्विजय सिंह बहुत बड़ी उम्मीद जो मैनेजमेंट कह रहे थे, वो कह रहे थे कि सीहोर हमारी मैनेज हो गई, हम सीहोर को वहां से एक ठीक ठाक स्थिति में हम निकल के आएंगे, उत्तर से हमें एक बड़ी लीड मिलेगी, मध्य से हम बड़ी लीड लेंगे, दक्षिण पश्चिम से हम बराबर कर लेंगे, और हुजूर की जो बीजेपी की लीड आएगी उसको हम कम कर लेंगे, अब लेकिन क्या लगता है आपको जब जो वोट परसेंटेज आ रहे हैं ये तो बड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं, पहली बात तो ये है कि फिर यहाँ पर हमको दो तरीके से देखना होगा, एक तो ये जो अर्बन और रूरल का इशू है वो ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जो चाहे हम सीहोर की बात कर ले, चाहे हम हुजूर की बात कर ले, चाहे हम बैरसिया की बात कर ले, इन तीनों में बहुत अच्छा पोल हुआ है, बैरसिया में और सीहोर में 73-71 और हुजूर में 62, तो वो तो बढ़िया हुआ है। और देखिए इसमें अभी देखिए कि अब सबसे ज़्यादा आप देखिए कि मध्य में और दक्षिण पश्चिम में ये बिल्कुल हार्डकोर आप देखिए कि शहर की सीटें हैं और तो कांग्रेस के पक्ष की सीटें। एक चीज़ और है आलोक जी, सबसे बड़ी बात ये कांग्रेस के पक्ष की सीटें हैं, और सबसे बड़ा इसमें जो चौंकाने वाली बात है दक्षिण पश्चिम, उत्तर और मध्य में वोट परसेंटेज में 1-1.5% का इजाफा है 2014 से लेके अब तक में, तो 1-1.5% का इजाफा, यानी इसको 0% ही माना जाएगा, क्योंकि ये नया वोटर थोड़ा बहुत जो बढ़ता है, जो नए वोट में जुड़ता है उसको हम मान सकते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जो पूरा समीकरण है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को पूरी आस इन तीन सीटों से थी कि इन तीन सीटों पर बड़ी लीड मिलेगी, आपको लगता है कि बड़ी लीड दिख रही है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो उनके लिए जो मुश्किल होगी वो मुश्किल उनके लिए हुजूर, बैरसिया और सीहोर का चक्रव्यूह तोड़ने में होगी, क्योंकि वहां से और गोविंदपुरा, तो गोविंदपुरा में तो गोविंदपुरा में ज़्यादा, तो पिछले बार से कम हुई है, पिछले बार करीब 5% ज्यादा वोट नहीं हुआ है, तो ठीक है ये मान लेते हैं कि गोविंदपुरा से वो एक तरीके से संभल जाएंगे, क्योंकि गोविंदपुरा से एक बड़ी ट्रॉल मिल सकती थी वो कम हो गई, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि बैरसिया, हुजूर और सीहोर ये मुश्किल में तो लाएंगे, वहाँ से जो वोट बढ़ा है
और जो अच्छा वोट वहाँ हुआ है, इसलिए वहाँ से प्रज्ञा को लीड मिलेगी डेफिनेटली, ये मान सकते हैं। और मध्य में कम वोट होना, उत्तर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा वोट नहीं होना, और दक्षिण पश्चिम में भी, दक्षिण पश्चिम तो हालांकि अर्बन सीट है लेकिन वहाँ पर भी 56% वोट हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो वोट हुआ है ये कितना, क्योंकि इसमें भी हम दक्षिण पश्चिम में अगर हम और मध्य की बात करें तो मध्य में एक मुस्लिम इलाका है और एक फिर पॉश भोपाल का जो, जिसमें चार इमली और तमाम तरीके के 74 बंगले ये सब आ जाते हैं। तो अगर ये मध्य में जो हुआ है पोल, उसका बड़ा हिस्सा अगर उस इलाके से आ रहा है, मुस्लिम इलाके से, तो वो कितना वोट इनको लेकर आएगा। और फिर ऐसे ही दक्षिण पश्चिम में जो झुग्गी बस्ती वाला इलाका है उससे कितना, क्योंकि कर्मचारी वर्ग की जो नाराज़गी थी दिग्विजय सिंह के साथ में, वो वोट दक्षिण पश्चिम में सबसे ज़्यादा है, और वो दक्षिण पश्चिम का वोट डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा। तो एक ये दोनों फिनोमिना यहाँ पर देखना होगा। और ये आप मान कर चलिए कि हुजूर और बैरसिया में तो वो हो सकता है वो अपने आप को थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल कर लिया होगा उन्होंने, लेकिन हुजूर और सीहोर यहाँ से तो उनको थोड़ी सी मुश्किल अब आना है। तो ये थोड़ा सा उनके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर ये अगर मध्य में और उत्तर में ये पोल 70 के आसपास जाता, मध्य और उत्तर में अगर ये पोल 70 के ऊपर निकलता तो हम मान सकते थे कि दिग्विजय सिंह कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए, बड़े फायदे की ओर बढ़ रहे हैं। चुनाव से पहले किसी ने एक मुझे एक समीकरण दिया कि बीजेपी के पास भोपाल सीट पर 55% वोट है और 45% वोट है दिग्विजय सिंह के पास। अब सवाल ये कि जो ज्यादा पोल करा लेगा वो ये सीट निकाल लेगा। तो अब जो समीकरण लग रहा है कि दिग्विजय सिंह, शायद ये जो समीकरण था कि दिग्विजय सिंह 45 में से मान के चल रहे थे कि वो 42% तक वोट कराएंगे, और बीजेपी का जो चूंकि कोर वोट है, सिटी का वोट है, तो 55% में वो 40% रह जाएगा। तो इस समीकरण पर जीत की जो गुंजाइश बन रही थी, अब आपको लग रहा है कि समीकरण पूरा उलझ गया है? नहीं, लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि जो मध्य में वोट गिरा है और जो दक्षिण पश्चिम में वोट गिरा है वो किस, क्योंकि ये दोनों सीटों में, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये सीट का तो हम पोल परसेंट देख पा रहे हैं, लेकिन सीट में जो बूथ का जब डिवाइडेशन होगा तो वो, और नरेला में भी ये फैक्टर आएगा, तो नरेला में भी हमको देखना होगा कि वो वोट किस तरफ का। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ 30% पोल हुआ और एक तरफ 80% के ऊपर पोल निकल गया। ये दोनों सीटों के अंदर ये नेचर है, मध्य में और दक्षिण पश्चिम में। यही नेचर में आप ये मानिए कि यही नेचर के कारण 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये दोनों सीटें खोई है, और उसका कारण यही था कि एक तरफ 80 से ऊपर पोल हुआ और एक तरफ कम हो गया। तो वो जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से इसको कितना बैलेंस करती है वो देखना होगा। लेकिन ये फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ओवरऑल जो देख कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी के लिए थोड़ा सा अभी टेंशन वाला हो सकता है, मतलब उन्हें 23 तारीख तक नींद नहीं आएगी। 23 तारीख तक नींद नहीं आएगी, लेकिन एक उनके लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि उनके दोस्तों ने उनका साथ दिया। नरेला विश्वास सारंग की सीट है, उस सीट पर जिस तरह से परसेंटेज की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हुआ है। नरेला में 62% पर आकर के रुक गया है, ऑन एन एवरेज कम माना जा रहा है जो भाजपा के इंटरनल समीकरणों में। गोविंदपुरा 56% रह गया, ये सीट है बाबूलाल गौर की। कृष्णा गौर अभी यहां से विधायक है, और बाबूलाल गौर के और दिग्विजय सिंह के संबंध जग जाहिर, वो पब्लिकली कई बार बोल चुके थे दिग्विजय सिंह के लिए कि आप आके चुनाव लड़िए, मैं आपकी मदद करूंगा। तो क्या लग रहा है कि ये इन लोगों ने वोट को, वोटर जो बीजेपी का कोर वोटर है उसको बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की? बिल्कुल, ये इस बात से पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ, और ये बहुत ही इसको हमको देखना होगा कि आश्चर्यजनक तौर पर वो दो नेता जो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि थोड़े से दिग्विजय सिंह के साथ उनका तादाद में अच्छा है, और ये भी माना जाता है कि गोविंदपुरा हार्डकोर बीजेपी की सीट रही है, मतलब वहाँ से बीजेपी को अच्छा पोल मिलता है और अच्छी वोट वाली सीट भी है, मतलब वहाँ पर पोलिंग परसेंट भी अच्छा होता है। वहाँ पोलिंग का कम होना और नरेला में पोलिंग का कम होना, यानी कि ये मान अगर हम इसको हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये जो पोल हुआ है वो कांग्रेस के का फेवर का पोल वहाँ हो गया और बीजेपी का वोटर वहाँ पर बाहर नहीं निकला, या बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोटर को निकालने की कोशिश नहीं की, तो अगर ये दो सीटों से उनको सपोर्ट मिलता है, और फिर मध्य और दक्षिण पश्चिम में ये देखना होगा हमको माइक्रो लेवल पे जाके कि किस हिस्से में पोलिंग हुई है, तो अगर ये इन चार सीटों के इक्वेशन पर बहुत कुछ होता है तो फिर हो सकता है कि बैरसिया और
और सीहोर से और हुजूर से जो लीड प्रज्ञा लेकर आएगी वो यह यहाँ पर आकर क्या कुछ उसमें मेंट थोड़ा बहुत मुश्किल आती है, ये इसलिए बहुत उलझी हुई स्थिति भी कह सकते हैं, उलझी हुई स्थिति कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हुजूर की लीड मिली है, बैरसिया की लीड मिली है, सीहोर की जो लीड आई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को एक अपर हैंड पर तो लेकर के जा ही रही है। देखिए ये पूरा इलेक्शन वैसे भी बीजेपी के अपर हैंड में है भोपाल का, क्योंकि उसका कारण ये है कि आप समझिए कि भोपाल की सीट 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास में, और जैसे आप ही ने अभी आपने बताया कि 55% बीजेपी और 45% कांग्रेस, तो वैसे ही 10% के लॉस में। और यहाँ पर आप मध्य प्रदेश की अर्बन सीट्स का नेचर जो है, जिनमें 3 शहर है जिसमें भोपाल, इंदौर और जबलपुर, तीनों सीट्स में आप किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए वो बीजेपी के फेवर में जाएगा। तो बीजेपी ने अपने सबसे मुश्किल कैंडिडेट को लाया, मतलब कि आप ये समझिए कि अगर आलोक संजर या आलोक शर्मा को चुनाव लड़ाते तो भी वो इजीली ले आते, लेकिन प्रज्ञा को उतार के उन्होंने बड़ी मुश्किलात अपने लिए खुद खड़ी करी। लेकिन उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि अभी भी बीजेपी यहाँ पर अपर हैंड पर है। वोट पोलराइजेशन क्या लगता है, वोट पोलराइजेशन करने में सफल हुए कि नहीं हुए? शायद 23 तारीख को बहुत ज्यादा करीब से हम देख पाएंगे कि वोट पोलराइज हुआ नहीं हुआ, जो बीजेपी का दावा है कि हमने पोलराइजेशन कर लिया है। देखिए अगर पोलराइजेशन का इशू हुआ भी हुआ है तो जो 5 लाख मुस्लिम वोटर है फिर वो तो सीधे सीधे डायरेक्टली दिग्विजय सिंह के खाते में गया होगा, और वहां पर अच्छा पोल हो भी सकता है, और एक रमज़ान का एक इशू भी आ सकता है कि रमज़ान के इशू के कारण वो अगर वोटर नहीं निकला है तो फिर दिग्विजय सिंह को नुकसान है, और अगर रमज़ान होने के बावजूद वहाँ वोटर ने वोट डाला है तो दिग्विजय सिंह को फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी देखना होगा कि प्रज्ञा को क्या पोलराइजेशन से फ़ायदा हुआ है, यानी कि जिस तरीके की वो जो देना चाह रहे थे या जो उन्होंने जो मैसेज दिए और जिसके कारण उनको बैन करना पड़ा, वो जो एक रणनीतिक तौर पर जो बातें हेमंत करकरे को लेकर आना और फिर राम मंदिर को लेकर आना, ये जो सारी बातें हुई हैं, क्या उसका उनको फ़ायदा मिला है सियासी तौर पर, वो देखना होगा। तो वो जब हम 23 को बैठेंगे तब बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी, लेकिन फिर भी मैं ये मान रहा हूँ कि बीजेपी अपर हैंड पर है। 3 बड़ी सीटें और बचती हैं, अगर मैं बात करूँ सागर 48% मतदान हुआ था 2009 में, 14 में करीब 58%, 10% की सीधी बढ़त थी 2014 में आते आते 64%, तकरीबन 8% की बढ़त है, ठीक बढ़त मानी जा सकती है। विदिशा सीट ये भी चर्चित सीट है, पिछली बार यहाँ पर सुषमा स्वराज थी, इस बार नहीं आई, 2009 42%, सीधी बढ़कर 65% मतदान हुआ था, इस बार 67%, मतलब मतदान का प्रतिशत उस रेशियो में नहीं बढ़ा है। राजगढ़ सीट की बात करें, राजगढ़ सीट 51% 2009 में, 14 में 64%, इस बार बढ़ करके 69%, ये भी बहुत बड़ा चेंज नहीं है, जिसको हम कहें कि ये तीनों सीटें, और तीनों सीटों पर भाजपा काबिज है, तीनों पर भाजपा ने दो में अपने सांसदों के टिकट बदल दिए हैं, सागर में टिकट बदला है, विदिशा में टिकट बदला है, चूंकि विदिशा में सुषमा स्वराज चुनाव नहीं लड़ रही हैं, रोडमल नागर को राजगढ़ से टिकट दिया है। राजगढ़ में भी एक सबसे बड़ी जो बात सामने आ रही है आलोक जी, कि राजगढ़ में जो राघोगढ़ सीट है, राघोगढ़ सीट पर मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहा है, ऑन एन एवरेज 67% रहा, चाचौड़ा 62%, जो सबसे ज्यादा उनके लिए डरावने हो सकते थे, नरसिंहगढ़ 67, ब्यावरा 69, राजगढ़ 74 और खिलचीपुर ये भी तकरीबन 71% गया है। खिलचीपुर प्रियव्रत सिंह की सीट है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बीजेपी को प्रो कर रही है। क्या लग रहा है इन तीनों सीटों पर आखिर समीकरण किस तरफ जा रहे हैं? इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजगढ़ और खिलचीपुर में जो अच्छा पोल हुआ है ये थोड़ा सा इस बात को चिंतित करने वाली बात होगी कि राजगढ़ और खिलचीपुर में अच्छा पोल होना, ये मतलब हो सकता है कि वहाँ पर बीजेपी को फेवर करे और वहाँ पर मोदी वेव चली हो। और देखिए आपकी फिर वही बात है कि राघोगढ़ में कम पोल हुआ है, तो राघोगढ़ में मतलब इसका मतलब ये है कि मोदी की लहर नहीं चली है, मतलब मोदी चूंकि दिग्विजय सिंह का अपना क्षेत्र है, तो वो जो दिग्विजय सिंह का जो अपना पारंपरिक वोट है वो वोट तो निकल कर गया, लेकिन मोदी की लहर नहीं चलने के कारण जो बीजेपी का वोट होगा वो नहीं आया, इसलिए वहाँ पर पोल परसेंट या जो चाचौड़ा की बात कर लीजिए वो उन्हीं की पेरेफेरी की सीट मानी जाती है, मतलब राघोगढ़ और चाचौड़ा दोनों में। लेकिन हम अगर नरसिंहगढ़ और ब्यावरा राजगढ़ की बात करेंगे तो इधर पोल परसेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये कारण हो सकता है। बाकी जो जिस तरीके के इनपुट्स थे उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर टफ फाइट है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी सी अपर हैंड पर मुझे नज़र आ रही है, और उसके कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से सांसद जो वर्तमान हैं उन्हीं को बीजेपी ने टिकट दिया है, उनके प्रति भारी नाराजगी थी, तो ये जो यहाँ बीजेपी ने
टिकट नहीं बदलने का निर्णय लिया, ये उसके लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकती है और मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर हम अब इस पर बात करें कि विदिशा सीट पर आ जाते हैं, विदिशा सीट में बड़ा चौंकाने वाला बुधनी जो शिवराज सिंह चौहान की खुद की विधानसभा है, 75%, बासौदा 70%, इच्छावर 72%, खातेगांव 63%, विदिशा प्रॉपर 68%, सिलवानी सांची भोजपुर 66-63 के बीच में। कहीं ना कहीं ये समीकरण जो जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये भाजपा को फायदा देते हुए दिख रहे हैं विदिशा में साफ साफ, क्योंकि ये जो सीटों पर मतदान प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा है वो प्रो बीजेपी सीट्स कही जाती है। देखिए इसमें दो बातें हैं, इसमें मैं इसको देखिए, आप एक तो आप पहले विदिशा के जो लोकसभा का जो करेक्टर है उसको समझ लीजिए कि एक तो इसमें चार जिले आते हैं, तो ये अपने आप में देवास भी इसमें आता है, इसमें सीहोर भी इसमें आता है, इसमें विदिशा भी आता है और इसमें रायसेन भी आता है, और ये बनाना सीट है, यानी कि ये इस शेप में बनाना की तरह लंबी सीट है और इसलिए इसके अंदर आप इसमें डिफरेंट कैरेक्टर है। लेकिन इस सीट का नेचर भी ये रहा है कि ये प्रो बीजेपी सीट रही है, यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जैसे बीजेपी के बड़े नेता यहाँ से चुनाव जीत कर गए हैं। अब लेकिन इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि इछावर जहाँ से कि शैलेंद्र पटेल हैं वहाँ 72% पोल हुआ है, तो यानी कि शैलेंद्र पटेल के अपनी खुद की सीट में अच्छा पोल हुआ है। और खातेगांव जहाँ पर कि खाती वोट है, मतलब खातेगांव का नाम ही खाती के कारण है और शैलेंद्र पटेल खाती कम्युनिटी से आते हैं, तो वहाँ पर 63% पोल हुआ है। बुधनी में अब इसके ठीक अपोजिट है, यानी कि ये शिवराज जी का इलाका है, तो यहाँ 75% पोल हुआ है, तो ये शिवराज जी के यानी कि बीजेपी के फेवर में गया होगा। बासोदा में जो मैं मान रहा हूँ कि बासोदा में कांग्रेस को फेवर करेगा थोड़ा सा, तो 70% के वहाँ पोल हुआ है, लेकिन बाकी सीटों पर जिस तरीके से पोल हुआ है तो ये तो स्वाभाविक है कि इस सीट का बेसिक नेचर इस सीट का बीजेपी का नेचर है। लेकिन मैं अभी जो पोल परसेंट आप दिखा रहे हैं उससे मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ टफ फाइट है और यहाँ पर अगर बीजेपी जीतेगी तो भी ये मुझे लग रहा है कि जो मार्जिन होगा वो 25-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि इसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि खातेगांव और इछावर और बासोदा यहाँ पर से वोट आएगा शैलेंद्र को, तो क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर जो जोखिम लिया है रमाकांत भार्गव को उतार कर वो उसका अच्छा प्रयोग नहीं है, क्योंकि रमाकांत भार्गव की जो अपनी पहचान है वो रायसेन से बाहर निकलकर नहीं है, मतलब वो 2-3 सीटों पर उनकी पहचान है उसके बाहर नहीं है, और ये बड़े एक इस विदिशा का करेक्टर जैसे मैंने आपको कहाँ देवास और कहाँ रायसेन, तो ये एक बनाना सीट पर इस तरीके से, तो अब ये देखना होगा कि ये रिजल्ट क्या निकल कर आते हैं। मुझे लगता है टफ फाइट है आपको लगता है। हालांकि एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जिन सीटों पर बीजेपी जो लीड आ रही है वो सारी सीटें बीजेपी के विधायकों के पास हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग गेम क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक बड़ा चौंकाने वाला है। सागर आखिरी चलते चलते हम सागर पे बहुत छोटी बात करेंगे कि सागर में बात करें तो सागर में भी वही चीज़ हुई कि जो बीजेपी के पास सीटें हैं उन सीटों पर पोल परसेंटेज बढ़ा है। बीना 65, खुरई 65, सुर्खी 63, नरियावली 61, सागर 60, यहाँ से शैलेंद्र जैन है लेकिन पिछली बार के मुकाबले बहुत बड़ा हुआ। कुरवई 69, सिरोंज 66, शमशाबाद 69, ये सारी सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र वाली सीटें हैं, तो आखिर क्या देख रहे हैं सागर में आप? ये तो माना जा सकता है क्योंकि इसमें तो मेरे को लगता है कि बीजेपी यहाँ पर हो सकता है क्योंकि जीत की तरफ हो, क्योंकि जिस तरीके का पोलिंग परसेंट निकल कर आ रहा है उससे समझ में आ रहा है, और ये भी आपको समझना होगा कि बीजेपी कि ये सीट भी बीजेपी की हार्डकोर सीट है, इसकी पॉकेट सीट मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर अब वो प्रभु सिंह ठाकुर कितनी कड़ी चुनौती दे पाएंगे ये वहाँ पर देखना होगा। लेकिन ये एक बात और है कि भूपेंद्र सिंह के कैंडिडेट के रूप में वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो इसलिए उसका उन सीटों पर जहाँ भूपेंद्र सिंह का अपना असर है वो खुरई में कितना गया ये देखना होगा और रैली में कितना गया, ये सारे वहाँ के इक्वेशन बहुत अलग तरीके नहीं। लेकिन अगर हम खुरई में देखें तो 65% मतदान जा चुका है, बीना शहरी सीट है और ये भी कहीं ना कहीं भाजपा के विधायक हैं वहाँ से, महेश राय 65%, सुर्खी में बात करें तो 63%, ये भी सागर की सबसे बड़ी चीज़ है। सागर में कई सीटें ऐसी हैं जो दूर से देखने में गांव की लगती हैं लेकिन वो सागर से लगी हुई सीटें हैं। आप सिरोंज देखिए और दूसरा जो सीटें इनको डाउट कर सकती है बंडा इस सीट में नहीं आती, तो जो इसमें सीटें आई हैं बीना, खुरई, सुर्खी, नरियावली, सागर, कुरवई, सिरोंज, शमशाबाद, सिरोंज बीजेपी के पास है, कुरवई बीजेपी के पास, तो ये सीटों में कहीं ना कहीं एक जो वोट परसेंटेज आ रहा है वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल लग रहा है, एक कंफर्ट पोजीशन बनाते हुए दिख रहा है।
अगर आलोक जी इसको हम कहें कि टोटल 8 सीटों में आप बीजेपी और कांग्रेस को कितना देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि देखिए अभी पिछली बार का इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो अभी 7-1 का इक्वेशन है, यानी कि सिर्फ ज्योतिराय सिंधिया अपनी जेबी सीट को बचा पाए थे और इसके अलावा बाकी सब बीजेपी के पास था। लेकिन यहाँ मुझे अभी ये लग रहा है कि कम से कम मुझे लग रहा है कि 5-3 तो जाएगा, यानी कि 3 सीटें मुझे लग रहा है कांग्रेस के पास आएगी और 5 सीटें बीजेपी के पास में आएगी। क्योंकि मैं इसमें देखिए राजगढ़ और गुना की 2 सीटें मैं कांग्रेस को मान रहा हूँ और मुरैना को लेकर थोड़ा डाउटफुल हूँ। ग्वालियर को लेकर भी मैं बहुत डाउटफुल हूँ कि ग्वालियर अशोक सिंह इस बार जीत सकते हैं, तो मुझे लग रहा है मुरैना ग्वालियर में से कोई एक सीट जरूर कांग्रेस को और मिलेगी। तो ये 2 में से कोई एक और ये 2 और बाकी सीटों पर बीजेपी यहाँ पर इलेक्शन लेकर आएगी, इलेक्शन जीत करके आएगी। अगर हम यहाँ माने तो यहाँ करीब 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले चरण में भी हमने बात कही थी तो उसमें शायद 1 सीट की हमारी बात हुई थी कि 1 चरण में 1 सीट का नुकसान और उससे पहले वाले चरण में 2 सीट का नुकसान, तो बीजेपी को अब तक 5 सीट का कम से कम नुकसान होता हुआ दिख रहा है, 4 सीटों का, 2 तो ऑलरेडी उनके पास हैं, तो 4 और सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हर चरण में 1 सीट उनके नुकसान की तरफ बढ़ती जा रही है। तो आलोक जी जाते इसको अगर देखें कि 4 सीटें तो ये कांग्रेस के पास आ गई और 3 सीटें उसके पास पहले से, तो 7 सीटें, और अगर हम आखिरी चरण की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर एक आधी सीट और कांग्रेस लेकर आए। इसमें खरगोन और धार ये 2 सीटों पर कांग्रेस की अच्छी स्थिति है, तो अगर 1 सीट वहां से भी लेके आती तो ये 8 सीटों का, तो जब हम पहली बार बैठे थे और हमने जब डिस्कस किया था तो हमने ये मान के चला था कि ये इलेक्शन जो है ये 21-8 के आसपास जाके बैठेगा। तो अब जब पोल होता है और उसके बाद जब हम निकल कर आते हैं तो आखिर में एक्सट्रैक्ट में वही निकल के आता है, लगभग हम उसी के आसपास घूम रहे हैं जो हमारा डेटा, जो हमारी टीम, जो हमारे लोग कह रहे हैं, जो पोल पे हम बात कर रहे हैं लोगों से, उससे जो समझ में आ रहा है वो लगभग हमें वहीं लेकर के जा रहा है कि कांग्रेस कुछ फायदे में है लेकिन उतने भी फायदे में नहीं है जितना उनके नेता लोग सोच रहे हैं, जितने नंबर्स वो बता रहे हैं। उसमें फिर भी आखिर में हम ये जैसे एक स्टार लगा कहते हैं ना कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ऐसे क्रिकेट और राजनीति में कोई भी चमत्कार संभव है। तो देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है इसके बावजूद हम ये इसको भी मानना पड़ेगा शैलेंद्र जी कि ये मोदी की लहर अगर चल गई तो फिर पिछला वाला रिपीट हो जाएगा। 27-2 हो, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन 2 सीटें कंफर्म है कांग्रेस की, कि 2 सीटें कहीं नहीं जा रही। बिल्कुल। तो अगर इन इतने के बाद हम जो सब कुछ देख रहे हैं उसके बावजूद भी अगर मोदी की लहर चली तो फिर वो 27-2 पर ही चला जाएगा मामला, 27-2 पर चुनाव आकर के रुक जाएगा। भाजपा के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी करते दिख रहा है कि अगर मोदी का अंडरकरंट और मोदी की वेव नजर नहीं आई तो उसको मध्य प्रदेश से एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और नई जानकारियों के साथ, ताजा तरीन खबरों के साथ अपडेट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।